अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। सोयाबीन डीओसी के आयात पर सरकार ने किसानों के हित में फैसला लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आश्वस्त किया है कि देश के किसानों के हित में सोयाबीन के तेल रहित खल यानी कि सोयाबीन डीओसी का आयात नहीं होगा। इससे पहले सोयाबीन काफी मार खा चुकी है। पहले सोयाबीन डीओसी के आयात से, फिर दूसरा भारी बारिश से तबाह हुई फसल से। अगर किसानों के हित में सरकार फैसला ना लेती तो सोयाबीन किसान एक बार फिर से बहुत भारी मार खाते। किसानों के अनुसार जब सोपा ने इस बार सोयाबीन का उत्पादन आंकड़ा 119 लाख टन का बता रखा है और उत्पादन पिछले साल के मुकाबले लगभग 14% ज्यादा बताया है, तो फिर आयात की जरूरत ही क्या है? क्या आयात करके विदेशी कारोबारियों की इनकम ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं? अगर इनकम बढ़ानी ही है तो भारतीय किसानों की बढ़ाई जाए जो इतनी मेहनत करके सोयाबीन उगाता है। जब अपने घर में ही सामान है तो बाहर से क्यों ही खरीदना? सोयाबीन किसानों का पोल्ट्री से ये सवाल है, क्योंकि पोल्ट्री ने सरकार से डीओसी का आयात करने की सिफारिश की थी और आयात भी हुआ था, जिससे कीमतें एमएसपी के आधे रेट से भी नीचे चली गई थी और किसानों को आर्थिक चोट पहुंची थी। सोयाबीन किसानों का कहना है कि पोल्ट्री वालों को उसी समय सोयाबीन का स्टॉक बना लेना चाहिए था। अब जब कीमतें बढ़ गई हैं, पोल्ट्री फिर से सरकार से गुहार लगा रही है। ये तो वही बात हो गई कि चित भी अपनी और पट भी अपनी। वर्तमान में सोयाबीन किसान अपनी सोयाबीन को स्टॉक करके चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।